खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की थलकता ग्राम पंचायत के रूपपुरा गांव के दो परिवारों के बच्चों पर माता पिता की मौत के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रोटी के लिए तरसते इन मासूमों की बेबसी सुनकर हर किसी की आंखें छलक जाती है। आस पड़ोस के लोगों से जो मिला वह खाकर गुजारा कर रहे बच्चों की कहानी, सरकार की योजनाओं और गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं की पोल खोल कर रख देगी। दो परिवार के मुखिया व पत्नी की मौत के बाद उनके मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इनको कोई सरकार योजना का लाभ नहीं मिला, जिसने निन्ने बालक बालिकाओं के सामने समाज व सिस्टम का गैर जिम्मेदाराना रूप का दर्द आंखों में साफ झलकता है। मांडलगढ़ पंचायत समिति की थलकता ग्राम पंचायत के रूपपुरा निवासी सतु कहार की 2 साल पहले खेत पर फसल निकलवाते समय थ्रेसर मशीन में आने से मौत हो गई। 4 मासूमों के बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत के बाद उसकी पत्नी माया ने मजदूरी करके बच्चों को पाला, पर पत्नी की मौत के बाद पति की मौत के बाद पत्नी 1.5 साल बाद बीमारी के चलते उसकी भी मौत हो गई। पति पत्नी दोनों के गुजर जाने के बाद उनके मासूम बच्चे आज भूखे प्यासे दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। सतु व माया के 4 संतान है। सबसे बड़ी 8 साल की बेटी संजू शुरू से ही ननिहाल में रहती है, जबकि 6 साल के बबलू व 4 साल की ममता व 1.5 साल के दिलखुश के कोई सहारा नहीं है। मासूम दिलखुश के हाथ में लकवा मार गया। अड़ोस पड़ोस के घरों में बचा कुचा भोजन खाकर जीवन गुजार रहे हैं। ठीक इसी तरह दर्द भरी कहानी है मृतक घीसा व गंगा खाहर की, दो मासूमों की, जिनके माता पिता के गुजर जाने के बाद अब बूढ़ी दादी ही एकमात्र सहारा है। घीसा कहार की 10 साल पहले, जबकि पत्नी गंगा की 1 साल पहले मौत हो गई। घीसा व गंगा के 7 साल के बेटे कालू व 4 साल के राहुल के लिए दादी माँ ही भरपोषण कर रही है। बूढ़ी दादी नन्नू बाई कहार ने बताया कि बुढ़ापे के कारण वह भी चल फिर नहीं सकती, लेकिन जवान बेटे बहू की मौत के बाद उन पर 2 मासूमों की जिम्मेदारी आ गई। वह इधर उधर से व्यवस्था करके उन दोनों का पेट भरती है और माँ बाप की यादों में खोए मासूमों का बचपन खोया थलकता के रूपपुरा गांव के इन मासूमों के माता पिता के निधन के बाद मानो इन बच्चों का बचपन ही खो गया हो। न खेलने को खिलौने हैं, न खाने को दाना। आज पड़ोस के बच्चों को देखकर बिलखते इन मासूमों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट कर पड़ा है कि शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वाले इस गाँव में करीब करीब सभी लोग गरीबी से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों का भरपोषण करना गांव वालों के लिए भी आसान नहीं है। रो रोकर धुंधली पड़ी मासूम की आंखों की रोशनी अब इलाज व सहायता की दराकपूर्ण के घीसा लाल व गंगा का 4 वर्षीय बेटा राहुल, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद में वह इस जिंदगी के हालातों से संघर्ष करते करते उसकी आंखों की रोशनी कम पड़ गई है, लेकिन आंखों की धुंधली रोशनी के बीच भी उसे आशा की किरण नजर आने की उम्मीद है। बेबस दादी इलाज के लिए कई राहुल को जगह ले गई, लेकिन न पैसे के अभाव में मासूम का इलाज नहीं हो पाया। वहीं दूसरे परिवार के 2 वर्षीय दिलखुश का हाथ भी लकवाग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन ने इन दिनों परिवारों के मासूमों की सुध लेने की मांग करते हुए जल्द से जल्द सरकारी सहायता व इलाज करवाने की मांग की है। गाँव वाले कहते हैं कि मासूमों के रोटी का इंतजाम थलकता ग्राम पंचायत के रूपपुरा गाँव के लगभग सभी लोग मजदूरी व खेती करते हैं। गरीबी से जूझते गांव के लोगों के लिए दिन भर की तिहाड़ी मजदूरी से ही घर का चूल्हा जलता है। कम मजदूरी के बावजूद वह अनाथ हुए इन बच्चों को पालन कर रहे हैं, इनका क्या कहना। ऐसे बच्चों की जानकारी भी है, रूपपुरा जाकर बच्चों की सुध ली जाएगी एवं हर संभव मदद करने के प्रयास किए जाएंगे। सबके चल रहे थे यार, वो फेल के मुंह बंद हो गया के पूरे बार के ना रे टाइम। हां सही है, बहुत तो ले को अच्छा। नाम किधर है? सर इनको नाम छोटा वाला को दिलखुश। अच्छा दिलखुश उनको बाल कटे क्या होता है? रोटी वोटी खिलाओ। अच्छा फटवा उड़े जाए। अच्छा
लियो अब थई जाने गया अब आज खाल काचे गांव में रोता भरिया आशा ये चाहिए लाल लाल मांगो ये लुगाई होरन दे वो गनी मेरी दिल पर मारो ये एक सो ये क्यों गांव का पूरा ये पर आज मैं जाने आओ मैं आ जा रहा हूं सागर में मु बो टेंशन में ये सरकार आगी ने हम करो पालन हो जाए जाओ बाल जाओ।